الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات نارا عزیزان محترم نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا تیسرا سلسلہ گفتگو ہے سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب ہم قیامت کے دن آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذ توماروں میں لپیٹے جاتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ ہم نے تخلیق کا جیسے آغاز کیا تھا تخلیق کو دوبارہ اسی مرحلے تک پلٹا کے لے جائیں گے وعدہ نہ لینا یہ ہمارا وعدہ ہے انا کنا فاعلین اور یہ ہم کر کے رہیں گے ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ اس زمین کے میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا یوم نطوی السماء کا طی سجل للکتب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے ہم ایک دن یوم ایک دن نطوی سما آسمانوں کو لپیٹ دیں گے کا طی سجل للکتب جیسے کہ توماروں کو لپیٹا جاتا ہے عجیب بات یہ کہ یہ کتاب ہدایت 6666 آیات پہ مشتمل یہ کتاب ہدایت مفسرین نے اور قرآن پر تحقیق کرنے والوں نے اس میں ان آیات کو تلاش کیا جن کا تعلق کونیات سے ہے کاسمولوجی علم تقریب علم تخلیق اور انہیں گننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کم و بیش 750 آیتیں آسمان زمین ستارے سیارے سمندر ان چیزوں پر مشتمل ہیں اور یہ آیات پروردگار نے اس طریقے سے رکھی ہیں کہ ذہن پر بوجھ نہ آئے جب انسان وہاں پہنچے تو سمجھ لے اب اس کی ایک مثال دے دوں
और फिक्र यहीं से आगे बढ़ जाए, मौजू के तकाजे को पूरा तो होना है। और ये जो मेरे नौजवान दोस्त कसरत के साथ तशरीफ फरमा है, उन्हें खुसूसियत के साथ मुतवज्जे कर रहा हूं। कहने लगा सूरह बकर के आगाज में, दूसरा सूरह है उसके आगाज से मेरी मुराद ये कि इब्तदाई आयतों में, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ इंसानों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें खल्क किया और तुमसे पहले जितने लोग गुजर गए उनको खल्क किया, इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फिराशा, ये अल्लाह तुम्हारा वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है, वह समा बिना और आसमान को तुम्हारे लिए एक मुस्तहकम छत करार दिया है, वह अंजला मिनस समाए मा और तुम्हारे लिए आसमान से पानी को नाजिल किया है। तो जनाब मौलाना वजीरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आवाज़े बुलंद नारे चलो भाई। बहुत संजीदगी के साथ मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मुस्तहकम छत करार दिया और तुम्हारी बका के लिए और तुम्हारे वजूद के लिए आसमान से पानी नाजिल किया। अजीब बात यह है कि गुफ्तगू थी इबादत की और दरमियान में उसने कायनात के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू कर दी। तो कुरान का मिजाज यही है कि उसने कोई एक मुकम्मल सूरा या कोई मुसलसल गुफ्तगू कौनियात पे नहीं की, कौनियात से मुराद कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात, मुसलसल गुफ्तगू नहीं की, दरमियान दरमियान में रखता चला गया ताकि इंसानी जहन उसे पिकअप करता रहे और उसे समझने की कोशिश करता रहे। 750 आयात कमोबेश पाई जाती हैं कायनात की तखलीक और कायनात के मज़ाहिर पर जो मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में मौजूद है। अजीब बात यह है कि एक थ्योरी है 20वीं सदी की जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जानते होंगे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे बिग बैंग थ्योरी, यानी एक धमाका हुआ और कायनात बन गई। ठीक, अब तुम एक बात सुनो, नौजवान दोस्तों से कह रहा हूं कि तुम्हारी जो गिनती है वो गिनती क्या है, इकाई। अब ये मजबूरी है मेरी कि मैं मौजू को रोक के गिनती समझा रहा हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, संख, महासंख। ये मैंने ठेठ उर्दू में गिनती बता दी तुम्हें, अंग्रेजी में कुछ और कहलाती है। कुछ समझ में आया ये संख और महासंख क्या है, यानी दहाई गुजरी, सैकड़ा गुजरा, हजार गुजर गए, लाख गुजर गए, करोड़ गुजर गया, अरब गुजर गया और उसके बाद संख और फिर महासंख, यानी ये गिनती की वो इंतहा है जहां सिफर खत्म हो जाए और हिसाब का सांस रुक जाए। या तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाए, अब तुम अगर जोड़ोगे ना तो हिसाब बैठ जाएगा, इतने सिफर लगेंगे कि कागज खत्म हो जाएगा एक महासंघ पर। जानते हो ये बिग बैंग थ्योरी के ईजाद करने वालों ने क्या कहा, कहने लगे कि 400 महासंघ साल अबले, भाई तवज्जो रहे, बहुत बहुत तवज्जो रहे, 400 महासंख साल पहले कबल तखलीक से, ठीक, तखलीक से 400, समझ रहे ना, महासंख साल कितने साल हो गए, अब ये तुम खुद सोच रहे ना। ये जो मादा था ये मादा एक गोलाई की सूरत में था, गेंद, और वो गेंद एक दिन धमाके से फट गई और मादा मुंतशिर हो गया और यूं कायनात बनी। और आज ये कायनात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 66,000
किलोमीटर पर सेकंड से फैल रही है। सुन लिया तुमने? इस कायनात की वसत का अंदाजा कोई हो गया अपने मेरे सुनने वालों को के 66,000 पर सेकंड यह कायनात फैल रही है। गोला थी, फट गया गोला और यह कायनात बिखर गई, और यह जो पूरी कायनात है वो उस गोले का नतीजा है जो फटा। हो गई बात? अब साइंसदान 20वीं सदी में इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे और आज तक इस थ्योरी को रद्द नहीं किया गया, कंडम नहीं किया गया, तो थ्योरी तो पाई जा रही है। बहुत तवज्जो रखो, इसलिए मंजिल तमीज में थोड़ा सा वक्त तो लूंगा और यही तमीज मेरे मौजू का तकाजा है। तो महासंघ साहब तुम्हारी समझ में आ गई, गोला था, गोला एक दिन धमाके से फट गया और कायनात बिखरनी शुरू हुई, मुंतशिर होनी शुरू हुई, और मुंतशिर होते होते ये पूरी दुनिया आबाद हो गई और ये हजारों मील पर सेकंड फैलती जा रही है। साइंस ने ये तो बता दिया, लेकिन साइंस खामोश है कि ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ, ये गेंद फटी तो कैसे फटी, साइंस खामोश है। और जहां साइंस खामोश हो जाए वहां कुरान बोलता है। जहां साइंसदानों के दिमाग थक जाएं वहां कुरान बोलता है। जाओ देखो कुरान में यह आय मुबारक मौजूद है या नहीं। जिस सूरह मुबारक की आयात सरनामे कलाम में तिलावत कर रहा हूं, सूरह अंबिया 21वां सूरह, उसी सूरह मुबारक की एक आयत तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। अवलम यरन लजीना कफरू, ये काफिर देखते क्यों नहीं, कानत समावात वल अर्ध रत्कन फतकना होगा, ये रथ थे हमने इसे इनका फतक कर दिया। अब दो लफ्ज दिया कुरान ने, रथ फतक, बहुत तवज्जो रखना, रे ते काफ रथ इज्तमा मुज्तमा होना, इज्तमाई सूरत में होना, फतक फट के बिखर जाना। ये काफिर देखते क्यों नहीं कि ये कायनात मुज्तमा थी और हमने उसे फाड़ कर बिखेर दिया। ये काफिर देखते क्यों नहीं कि ये कायनात मुज्तमा थी, एक गोलाई की सूरत में थी और हमने फतकना हुमा उन दोनों को फाड़ कर मुंतशिर कर दिया। अच्छा भाई, अब ये तो कुरान ने बता दिया कि फाड़ने वाला अल्लाह, उस गोले को, जो गोला उसकी उसी की तकलीफ था, उस गोले को फाड़ने वाला अल्लाह। अब सवाल यह कि ये बिखेर दिया और बिखरता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जब बिखेरा तो जहां जो जर्रा था वहां रह गया, नहीं। मैंने अभी अर्ज किया ना कि हजारों किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये दुनिया फैलती जा रही है। भाई अगर यकीन न हो तो जाओ कुरान में देखो, व समा बनैना बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, इस सूरह ज़ारियात 51वां सूरह और उसकी 47वीं आयत, आसमानों को हमने बनाया है और हम इन्हें मुसलसल फैलाते रहेंगे। आसमानों को हमने खल्क किया है अपनी कुव्वत से, बनैना बिअयदिन, अपनी तवानाई से, ज़ाती तवानाई से हमने इसे खल्क किया है और हम इसे वसअत देते चले जाएंगे। तो अब दोनों सवालों के जवाब कुरान मजीद ने दे दिए। तो अब इससे और उन आयात से जो मैं मुसलसल पढ़ रहा हूं, नतीजा यह निकला कि यह कायनात बेमसर नहीं है, इसका एक निजाम है। इस निजाम को परवरदिगार एक मंसूबे के तहत चला रहा है। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए तो मेरे नौजवान दोस्तों, पूरी संजीदगी के साथ मेरे जुमले को सुनना जो तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं मैं। तो कायनात खिलकत है, एक मंसूबे के तहत है, वो उलूही मंसूबा हमें समझना है और इसी समझने के लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ, अंबिया आए कि वो मंसूबा तुम्हारी समझ में आ जाए। तो अब आयात से हटकर एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई खालिक है वरना तखलीक नहीं हो सकती। खालिक है तौहीद, जो चीज बनी है वो एतदाल पे बनी है, अदल। भाई अगर तखलीक है तो खालिक है तौहीद, और जो चीज तखलीक हुई है वो अपने एतदाल के कमाल पे हुई है, अदल।
कोई मंसूबा है इस कायनात की तखलीक का? कयामत भाई, तीन चीजें समझ में आ गई। अच्छा तो अब ये जो इंसान बार बार मुखातब है कुरान का, इंसान जाहिल आया, जाहिल आया तो उसे तालीम की जरूरत है नबूवत, और अगर जिहालत बाकी है तो तालीम देने वाला बाकी होगा इमामत। नारे सुन लेना भाई, सारे का मौजू को आगे तो बढ़ना है ना, और मौजू बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अच्छा भाई, तो अब कायनात का कोई मंसूबा तो है, और अब एक मरतबा कुरान मजीद ने इंसान को मुखातब किया, अब हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ना तुर्जाउन। क्या तुम्हारा नाकिस ख्याल ये है कि हमने तुम्हें बेमसरफ पैदा कर दिया, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे? तो अब कोई मंसूबा इंसान के लिए भी है, और वो मंसूबा अगर समझ में आ जाए तो इंसान इस दुनिया में कामयाब हो जाए। अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुर्जाउन, बड़ी जलाल की आयत है कि तुम समझते हो हमने तुम्हें बेवसा पैदा कर दिया, यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, तुम्हारी तखलीक का एक मकसद है। अच्छा भाई, तो अब मकसद है तो तुम्हारी तखलीक का मकसद है हिदायत। बहुत तवज्जो रहे, अब मौजू आगे बढ़ रहा ना यहां से। तुम्हारी तखलीक का मकसद क्या है भाई? हिदायत। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। जाहिर आया है, उसे तालीम चाहिए। अब तुम हिदायत तक हो, तालीम कह लो। तो दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है, ठीक है ना? तुमने कभी मिजाज कायनात गौर किया? अगर ये कायनात का मिजाज समझ में आ गया तो फिर यहीं से मुझे आगे बढ़ जाना है। कायनात का मिजाज बताऊं कि अल्लाह ने कैसा बनाया? देखो भाई, तुम इस दुनिया में आए, आराम से सुनना, तुम इस दुनिया में आए भाई, आ गए ना? अच्छा, तो अब तुम्हारे आने के लिए एक जमीन की जरूरत थी, थी या नहीं थी? जमीन पहले तुम बाद में, ठीक है ना? अच्छा भाई, तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले तुम बाद में। कितना करीम है तुम्हारा अल्लाह के जरूरतमंद से पहले जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को खल्क कर रहा है। अपने अल्लाह को, अपने अल्लाह को पहचानो। अच्छा भाई, तो तुम्हें जमीन की जरूरत थी, जमीन पहले तुम बाद में, ठीक। तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले तुम बाद में। तुम्हें प्यास लगेगी, पानी की जरूरत थी, ठीक है ना? तो पानी पहले तुम बाद में, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई, तुम्हें पेट के ईंधन के लिए गैजा की जरूरत थी, गैजा पहले, खेत पहले, जंगल पहले, मेवे पहले, तुम बाद में। तो कुछ समझ में आया कि अल्लाह ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीजों को खल्क किया है वो तुमसे पहले है, तुम बाद में। समझ में बात आ गई भाई? अगर समझ में आ गई हो तो फिर यहीं से तो मैं तुम्हें आगे आगे ले जाना चाहूंगा भाई। अब एक मरतबा बहुत तवज्जो के साथ सुनना, जो चीज तुम्हारी जरूरत को पूरा करती है वो चीज पहले है, इंसान बाद में। पानी था, इंसान पैदा हुआ, पानी साथ रहा, इंसान चला गया, पानी मौजूद है। हवा थी, इंसान पैदा हुआ, इंसान के साथ हवा रही, इंसान चला गया, हवा मौजूद है, ऐसा है या नहीं है? जमीन थी, जरूरत को पूरा करने वाली चीजें, जमीन थी, इंसान नहीं था। इंसान पैदा हुआ, जमीन पर रहा, इंसान चला गया, जमीन रही। तो जो चीज जरूरत को पूरा करती है वो इंसान के पहले है, इंसान के साथ है। इंसान चला जाएगा, वो चीज रह जाएगी। हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है। हादी था, इंसान के साथ रहा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। ना!
پر محمد والے محمد صلوات اب دیکھو نا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ تیسرے مرحلے گفتگو ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ تیسرے مرحلے گفتگو میں کوئی بات اسٹیبلش ہو جائے اچھا بھائی تو اب ہدایت تو بہت ضروری ہے نا یاد رکھنا اور اگر یاد رکھ سکو اپنے رب کی کریمی کو سمجھو بچہ پیدا ہوا اچھا فرض کرو ابھی پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تو اب تم اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہو سمجھا سکتے ہو بھائی سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں یا لفظوں سے سمجھایا جائے یا اشاروں سے سمجھایا جائے اور ابھی اگر بچہ پیدا ہو تو نہ لفظ سمجھتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے بھائی ایسا ہے یا نہیں اب اس سے زیادہ قریب ہو کے تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے دو گھنٹے ہوئے ایک گھنٹہ ہوا ہے بھائی اسے نہ لفظ سمجھ میں آئیں گے نہ اشارہ سمجھ میں آئے گا تو اب اسے کس نے بتلا دیا کہ تجھے اپنی بھوک مٹانی ہے شیر مادر سے کتنے سمجھ کریمی رب کی دیکھ رہے ہو تو یہ فطری ہدایت ہے یہ فطری ہدایت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیتیں ڈال دیں جو نبوی ہدایت کو سمجھ سکے میں نے بہت زحمت دی بہت زحمت دی اور اب بہت قریب ہو رہا ہوں تمہارے مرحلے فکر سے بہت بہت قریب آ گیا اچھا بھائی تو اب فطری ہدایت تو کر دی اور اب نبوی ہدایت آواز دی ولقد بعثنا سورہ نحل فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین سولہویں سورہ میں دیکھا کس جلال کی آیت ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ہم نے ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر گروہ میں ہر زمانے میں ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے میسج کیا تھا ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو واجتنبوا الطاغوت اور اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو فمنہم من ھدی اللہ اب جب نبی آئے تو عوام میں دو رد عمل پیدا ہوئے کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ومنہم ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں فمنہم من ھدی اللہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور کچھ خود گمراہی میں پڑ گئے یعنی اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہم اس کے قائل ہیں کہ ہدایت اللہ کرتا ہے گمراہی میں انسان خود پڑتا ہے کبھی پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا قرآن مجید نے عجیب باریک بندی ہے اس مقام پر جو کہتے ہیں نا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے تو آیت واضح ہے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے انسان گمراہ خود ہوتا ہے توجہ رکھنا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین جاؤ زمین میں سیر کرو آثار قدیمہ کھودو زمین کی گہرائیوں تک جاؤ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام ہم نے کیا کیا فمنہم من ھدی اللہ بہت توجہ رہے یہ من بڑا پالیسی میکنگ ہے اور اسی من پہ تمہیں آج روکنا چاہ رہا ہوں فمنہم من ھدی اللہ من جو لوگ من جو بھی مولانا یہی ہے نا کچھ اور ہے بالکل زمین اقول کے لیے صحیح فرما رہے ہیں دیکھو بھائی دو لفظ عربی میں ایک ماں ہے اور ایک من ہے ماں ہے غیر زمین اقول کے لیے اور من ہے زمین اقول کے لیے جن میں عقل پائی جاتی ہے تو من جو لوگ اب من کی مار تمہیں بتلاؤں بھائی توجہ رکھنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ من جو بھی خیر کرے وہ خیر دیکھے گا جو بھی شر کرے وہ شر دیکھے گا من کی آیت سن لی تم نے اور اب سورہ حج کی ایک چھوٹی سی آیت سناؤں ان اللہ یبعث من فی القبور قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں بتا دو دور دور تک یہ میسج پہنچا دو کہ اللہ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا بچے سے کہہ بیٹھ جائے میاں مجلس میں پہلے آیا کرو
समझे। अभी मैं रिजिया सानी की इमाम बारगाह में कह के आ रहा हूं कि मजलिस की एक तहजीब है, अगर पहले आना है तो पहले आओ और अगर बाद में आए तो वहां बैठो जहां जगह मिली, मजलिस में कुछ चीज कहना हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। अच्छा भाई, तो अब मन की रेंज देख रहे हो कि ये मन की कुवत कहां तक जा रही है। बहुत दूर ले जाना चाह रहा हूं तुम्हें और तुम मेरे साथ साथ चलते रहना। अन्नल्लाह यब आखो फमयामल मिसकाल जर्रतिन, ठीक है ना, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो अपनी नेकी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो बुराई देखेगा, जो भी आम है ना जुमला। अच्छा, कह लगा अन्नल्लाह यब आसो मन फिर कबूर, बहुत तवज्जो रहे, अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में हैं। बतला दो कि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं है, कब्रों को तबाह करने की कोशिश न करो। मैं तो मुख्तलिफ जिहाद कुरान मजीद की तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, ये सुन लिया, सूरह बनिसाई, मन एहतदा, मन एहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो भी हिदायत को कबूल कर ले उसका फायदा उसे पहुंचेगा। वह मन दल्ला फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराह हो जाए उसका नुकसान उसी को बर्दाश्त करना होगा। देख रहे हो ये मन की कुवत। मन आमेला सालिहन, मुख्तलिफ मकामात जाते पड़ो, मन आमेला सालिहन मिन ज़करिन व उन्था फलन रुहिय यन्हु हयातन तय्यबतन वलन नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसने मा कानू यअमलून। जो भी अमल सालेह करे ईमान के साथ, मर्द हो या औरत हो, हम वादा करते हैं कि उसे अजर देंगे। मन, तो अब जब मन कह दे अल्लाह तो आपका क्या ख्याल है, कोई एक्सेप्शन लगेगा? अब जिस पर भी मन अल्लाह का लागू हो जाए वो साबित है। अच्छा भाई, नौजवान दोस्त कसरत के साथ मौजूद है ना, तो इनसे तो एक बात मैं पूछता ही चलूं ना, बुजुर्ग तो मुहाता भी नहीं है कि मैं भोजन हो गई तकरीब नहीं। जनाबे बाबाजे बुलंद नारे वो मेरे दोस्त कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, अब उन्होंने अपने आप को नौजवानों में शामिल कर लिया तो मैं क्या करूं, है या नहीं? तो नौजवान दोस्त सुने भाई सुने, इसलिए कि मौजू का मतलब ही ये होता है कि उस मौजू पे थोड़ी सी बात हो जाए। सुन लिया तुमने मन, अल्लाह ने कहां कहां मन इस्तेमाल किया, बहुत है, मैंने तो दो चार मिसालें दी। अब मेरे नबी ने कहा मन, और क्या कमाल का मन कह दिया मेरे नबी ने, मेरे नबी ने मन कहा, कहने लगे पैगंबर अकरम मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही वल आखिरत ले दुनिया वल ऐसा मिलना, मन जो भी आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे और जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे वो हमें से नहीं है, तवाज़ुन रख के चलो दुनिया और आखिरत में। मन तदब वजह दूसरी रिवाज, मन तदब वजह फकत अहरदा निसफ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने आधा दिन बचा लिया। मन अब जो भी कर रहे, मन की रेंज बहुत दूर तक है, समझ रहे हो बात को, मन की रेंज बहुत दूर तक है। मन तजब हो जा, जो भी शादी कर ले उसने आधा दिन बचा लिया, जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे, आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे वो हम में से नहीं है, जो भी। तो अब रसूल का मन समझ में आया, अब रसूल ने आवाज दी मन माता अल्लाह आले मोहम्मद नारे बाबा जे बुलंद नारे सलावत। मौलाना ये रवायत है ना, मन माता अल्लाहु बियाले मोहम्मदिन माता शहीदा, लेकिन अजीब बात यह कि रवायत हमारे सिलसिले से आई ही नहीं। अजीब बात है कि आप अपने मसलक की हदीस की किताबें देखें, हमने दूसरों से ली है रवायत, मन माता
अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। सुनी है ना रिवायत, हजारों लाखों मरतबा सुनी है। भाई ये रिवायत इतनी ही नहीं है, बहुत लंबी रिवायत है और मैं तो फकत उसके तीन या चार जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा और मैं इससे ज्यादा सहमत समाप्त नहीं देना चाह रहा हूं इस रिवायत के सिलसिले में, लेकिन तुम तक ये जुमला तो पहुंच जाए ना। देखो अल्लामा जारुल्लाह ज़बख्शरी, उनकी तफसीर है तफसीर कशाफ, ये रिवायत बहुत लंबी है और मैं फकत दो या तीन जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। ये एक हवाला, इन बुजुर्ग पर अल्लाह रहमत नाजिल करे, इनका ताल्लुक मेरे फिरके से नहीं है, मेरे मतलब से नहीं है। दूसरे मोहियुद्दीन इब्ने अरबी, बहुत मशहूर शख्सियत है, उनकी तफसीर अल अकबर, तफसीरुल अकबर, उसमें है और तुम जाके देख लेना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन। भाई अगर कहीं ना मिले तो मेरे पास तो है ये दोनों किताबें, दिखला सकता हूं, और जनाब मौलाना के बाद भी तफसीर ज़बख्शरी तो है, तुम देख लेना जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम इब्ने अरबी की है, है मेरे पास है, देखना चाहते हो देखना। मन माता, भाई सुनो, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर वो शहीद मरा, एक जुमला। दूसरा बताऊं, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता तायबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। अच्छा ये मेरे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, आलम इस्लाम के बुजुर्गों ने लिखा, तो दो जुमले पहुंच गए, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता साहिबा। तीसरा जुमला कहूं, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मकफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो बख्शा हुआ मरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हादरी। भाई ये जुमले पहुंच रहे, माता शहीदा, माता तायबा, माता मगफूरा, और अब एक और जुमला सुनते जाओ, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलन ईमान, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो कामिलुल ईमान इस दुनिया से गया। तो जब सारा कुछ आले मोहम्मद की ड्यूटी पर है तो हम दूसरों से भीख मांगने क्यों जाए। जब सब कुछ आले मोहम्मद की मोहब्बत में मिल रहा है तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? दूसरे तो खुद आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं। अच्छा भाई, अब रिवायत कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं पूरी रिवायत बयान करूं, लेकिन अब इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी सही पूरी रिवायत पेश कर सकता हूं, और लंबी रिवायत है, लेकिन अब एक जुमला तो और सुनते जाओ। भाई सब कुछ तो आले मोहम्मद के दामन से मिल रहा है, उनकी ड्यौड़ी पर मिल रहा है, उनकी चौखट पर मिल रहा है, तो हम दूसरों के पास क्यों जाए? भाई दूसरे जितने भी हैं वो आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं, तय है ना। और अब एक जुमला जरा उलट के सुन लो उसी रिवायत का, अपने घर से नहीं कह रहा हूं, उसी रिवायत का जुमला सुन लो, मन माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता आयशन बिन रहमा, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया।
کلندر، خیبر کا فاتح، داماد محمد، داماد پیغمبر، نعرہ حیدری، بر خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ میرے نبی کے اس جملے کی قیمت سمجھو، اور اگر تم نے میرے نبی کے اس جملے کی قیمت سمجھ لی تو آج کی میری محنت سوارت ہے۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ، جو آل محمد کی دشمنی رکھ کے مر جائے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس گیا، ہے نا؟ سن لی تم نے روایت؟ نہیں بھائی، ایک مرتبہ میرے کہنے سے اور سن لو، ایک مرتبہ اور سن لو۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ، جو آل محمد کی دشمنی رکھ کر اس دنیا سے چلا جائے وہ رحمت الہی سے مایوس مرا۔ یہی ہے نا، رحمت الہی سے مایوس مرا۔ اب قرآن کی طرف چلو، سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی 53 آیت ہے۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رسول کہہ دو کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہاں کہہ رہا ہے کہ بھائی توجہ رہے، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، اللہ کی رحمت سے میرے بندو گناہ ہو گیا نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ میرے بندو، یا عبادی میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو وہاں کہا کہ بندوں سے کہا رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہاں کہہ رہا کہ جو دشمن گیا وہ رحمت الہی سے مایوس گیا، یعنی اللہ دشمنانی کو اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بنتے نبی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، قرآن نبی اور سپارہ حسین ہے۔ اللہ رے انقلاب پہ مظلومیت کرو، اللہ رے انقلاب پہ مظلومیت کرو، دشمن بھی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے یا حسین۔ نعرہ حیدری، یہ کچھ بات واضح ہوئی۔ وہاں کہتا ہے کہ میرے بندو رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہاں رسول سے کہلوا رہا ہے کہ جو علی کا دشمن ہے، جو آل محمد کا دشمن ہے، وہ رحمت الہی سے مایوس ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسے بندوں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ رحمت الہی سے جو مایوس ہے نا، یہ جو مایوس ہو گیا، اللہ اسے اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بندے تو دو ہی کے ہیں، توجہ رہے، بندے تو وہی کہیں یا اللہ کے بندے، اور اب تم پوچھو گے تو یہ دوسرا کون ہے جس کے بندے ہیں؟ الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے بندے بن کے نہیں رہو گے؟ تو جو اللہ کا بندہ نہ ہو وہ شیطان کا بندہ ہے۔ نعرہ محمد والے محمد میں نے
मैंने बड़ी जहमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को, लेकिन ये मन की रिवायात जरूरी थी कि मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए भाई। ये रिवायात अलग और अब मन मन की कुवत समझ में आ गई जो भी, ठीक है ना। अब भूल गए क्या? भूल गए मन माता वलम यारिफ इमामा जमाने ही, माता भी तदन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। अब यही पता चल जाएगा कि कौन इस्लाम पे मरा कौन जाहिलियत पे मरा। जमाने के इमाम का नाम पूछ के देख लो। इमाम जमाना पे बुलंदर सलावा। बस बस गुफ्तगु अपने आखिरी मरहलों से करीब होने वाली है। अब ये रिवायात थी और वो आयात थी मन के सिलसिले में। मन हाजा कफी है मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म फकौल मन, मन से रवायत शुरू आयत आय मुबारका शुरू हो रही है। मन हाजा कफी है मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, हबीब तेरे पास इल्म आ गया, अब अगर कोई बहस के लिए आता है तो कह दे, हबीब कह दे बड़ी मशहूर आयत है, मैं अभी आगे पढ़ूंगा तुम मुतवज्जे हो जाओगे। कहते हबीब फकुल तालो नदो अबना ना व अबना हकुम व निसा अना व निसा हकुम व अनफुथा ना व अनफुथकुम सुम नब तहिल फ नजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबी। अब तुमसे बहस नहीं होगी, अब तुमसे बहस नहीं होगी। तवज्जो रखना, कुरान है हमेशा की किताब, हर जमाने की और हर जमीन की किताब। कुरान तो फार्मूले देता हुआ चलता है ना। कभी कब तक बहस करोगे, 1500 बरस गुजर गए। अगर कोई मानने पे आमादा ना हो तो मुबायला कर लो, लग बदल दू, लानत भेज के अलग हो जाओ। ज्यादा ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। अगर कोई कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो लानत भेज के अलग हो जाओ। ये कुरान का बताया हुआ सबक है, ठीक है ना। अपने बहुत बहुत करीब होके, बहुत करीब होके जुमले अर्ज कर रहा हूं मैं, ये कुरान का बताया हुआ सबक है। अच्छा भाई तो अब दो जुमले सुनो और गुफ्तगू तमाम हो जाए। फन्नज अल्लानत अल्लाह अल काज़िबी। देखो भाई जमा होंगे और जमा होने के बाद बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह की लानत हो काज़िबीन के ऊपर। भाई यही है ना, कौन गया कौन नहीं गया तुम्हें मालूम है, वक्त नहीं है। और जाहिर है कि मसाहिब के कुछ जुमले अर्ज करने हैं, लेकिन ये भी 5-7 दकीके हैं फजाइल के, इनमें दो जुमले मुझसे सुनते जाओ। देखो भाई ये जुमले तुम्हारे काम के हैं और इन जुमलों को अपने जहन में महफूज रख लेना। ये जो मुबाहला है ना, अब मुबाहला तो पढ़ना नहीं मुझे, मोबाइले का वक्त भी नहीं है, लेकिन यहां पर यह तुम्हारी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि पूरी तारीख मैंने देख डाली। बड़े बड़े जोशीले मुसलमान थे रसूल के जमाने में, बड़े मोहब्बती थे रसूल पे, जान देने वाले थे, हर कदम पे आगे बढ़ के आते थे, है ना, आते थे। मुझे नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के थक गया, ये उम्र आ गई कि किसी ने कहा हो या रसूल अल्लाह हम भी साथ चलें। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। या रसूल अल्लाह हम भी आपके साथ चलें। मुझे समझना, इस बात को समझना, मुझे मिले किसी ने, सीरतुल नबी की किताबों में देख लो, हवाले कहां तक दूं, किसी ने पैगंबर अकरम से गुस्ताखी की और ये जुमला कहा कि नऊज़ु बिल्लाह एदिल या मोहम्मद फइन्नका ला तअदिल, नाम लेके कहा अय मोहम्मद अदल करो, तुम अदल नहीं कर रहे हो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी बड़ी गुस्ताखी, ठीक है ना। कोई बुजुर्ग कह लेंगे या रसूल अल्लाह इसे कत्ल कर दूं, तारीख में नाम देख लो, उनका कि नहीं भी छोड़ दो वरना लोग कहेंगे कि रसूल अपने दोस्तों को मारता है। या रसूल अल्लाह ये बुत तोड़ दूं, कहा कि नहीं भाई जिसने पूजा हो वो क्या तोड़ेगा। जो है तेरे कर रहा है, जो कल का मददगार है, उससे भी हमको प्यार है, और
रहे हो ना, बड़े जोशीले लोग थे। अच्छा भाई, जब इस्लाम नया नया हो तो जोश तो होता ही है। अच्छा या रसूल अल्लाह, फला शख्स आपके खिलाफ कुछ बोल रहा था, कोड़ा मार दूं? ताजिया ना कोड़ा, ठीक है ना? उनका कहने भी छोड़ दो। तो बड़े जोशीले लोग थे ना, भाई कोई तो आगे बढ़ता कि या रसूल अल्लाह मैं भी चलूं मोबाइल के मैदान में, कोई नहीं मिला। कोई तो आगे बढ़ता जो कहता कि या रसूल अल्लाह मैं भी चलूं मोबाइल के मैदान में, कोई ना बढ़ा। इसलिए कि सब जान रहे थे कि यह माल गनीमत की जंग नहीं है, तवज्जो रखना। कोई आगे ना आया कि या रसूल अल्लाह मैं भी मोबाइल के मैदान में चलूं, इसलिए कि सब जान रहे थे कि यह माल गनीमत की जंग नहीं है, यह है लानत की जंग। अगर लानत पीछे लग गई कि तो कयामत तक पीछा नहीं छूटेगा। तकरीर तकरीर इस मरहले पर इख्तितामी मराहिल से करीब हो जाएगी, लेकिन अब जुमला तो मुझे कहना है, और यह जुमला अगर पहुंच गया तो समझो कि तुमने आले मोहम्मद की फजीलत का एक बरख देख लिया। अब चले पैगंबर, मेरे एजेंडे में यह नहीं था, लेकिन मैं ये बयान करता हुआ आगे जाऊंगा। पैगंबर चले, लानत की जंग ये जहन में रखना, ठीक। पैगंबर चले और अब निगाहें तुम्हारी मेरी तरफ रहे, लेकिन जहन जरा मुबाहले के मैदान की तरफ ले चलो, दिमाग रहे मुबाहले के मैदान की तरफ। पैगंबर कैसे जा रहे हैं भाई? आगे आगे पैगंबर हैं, गोद में हुसैन है, हसन की उंगली थामी हुई है। यानी अजीब बात है, कितनी छोटाई बढ़ाई है दोनों बच्चों में, या तो दोनों को पैदल ले चलते या दोनों को उठा लेते, लेकिन हुसैन को गोद में उठाया, हसन को पैदल चल लेके चले। रसूल का कोई अमल बसियत से खाली नहीं होता। जहां इमामत रुक रही थी उसे पैदल चलाया, और जहां इमामत बढ़ रही थी उसे गोद में बिठा के दिखलाया। कोई अमल मसले से खाली नहीं हुआ करता, ठीक है ना? अच्छा भाई चले, तवज्जो रखना, मरहला आखिरी है। तो आगे आगे रसूल हैं, गोद में हुसैन, उंगली हसन की थामी हुई है, पकड़ी हुई है, ठीक। रसूल के पीछे सैयदा है, यही तरतीब है मोबाइल की। सैयदा के पीछे अली हैं। तो अब दिमाग रखना मुबाहले के मैदान की तरफ, मुझे सुनते रहो। आगे रसूल, उनके पीछे सैयदा, उनके पीछे अली। रसूल ने कदम पैदल जा रहे हैं ना, रसूल ने कदम उठाया आगे रखा, पीछे जगह खाली हुई। सैयदा ने कदम उठाया, रसूल के नक्शे कदम पे रखा, फिर जगह खाली हुई। अली ने कदम उठाया, नक्शे कदम सैयदा पे रखा। इसी तरतीब से गए हैं ना, तो अब सैयदा समझ में आई। सैयदा उस खातून का नाम है जो रिसालत के नक्शे कदम पर चलती है और इमामत उसके नक्शे कदम पर चलती है। मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी, समझ में आ गई बात? तो मैदान है लानत का, बहुत तवज्जो रखना, मैदान है लानत का।
और उस लानत के मैदान में ईसाई आए, ठीक है ना। रसूल ने चैलेंज किया था कि झूठों पे अल्लाह की लानत होगी, ईसाई आ गए ना। आप आज ईसाइयों को लानती कहते हैं? नहीं कहते, पर ठीक है, उनका एक मसलक है, उनका एक फिरका है, उनका एक मजहब है, लेकिन हम उन्हें लानती नहीं कहते, गुमराह समझते हैं, लानती नहीं कहते। अगर रुक जाते आले मोहम्मद के मुकाबले पर, समझ गए, अगर रुक जाते आले मोहम्मद के मुकाबले पर तो लानती हो जाते या नहीं, तो अपने अपने जर्फ की बात है कि कौन हट जाता है कौन लानती बन जाता है, ये तो अपने अपने जर्फ की बात है ना, कि जो हट गया वो लानत से बच गया। अगर जिद में आ जाते ईसाई तो आज लानती होते, आज मुसलमानों का कोई फिरका उन्हें लानती नहीं कहता, ठीक है, गुमराह, मसलक से हटा हुआ, दीन हरीफ से हटा हुआ समझते हैं, लेकिन लानती कोई नहीं समझता। अगर जिद में आ जाते तो लानती हो जाते, तो इसका मतलब यह हुआ कि लानत का ताल्लुक जिद से है, जो पंजतन के मुकाबले से हट जाए वो बच जाए, जो रुक जाए वो लानती बन जाए, यही है ना। तो अब एक जुमले से मसाइब की तरफ जा रहा हूं, भाई तवज्जो रखना, ईसाई समझदार से हट गए, यजीद अहमद का फंस गया, आज तक लानती है या नहीं? मेरे पास अब वक्त नहीं है, और मसायब तक जाने के लिए इस एक जुमले की जरूरत थी, और मैं उस जुमले तक पहुंच गया कि यजीद फंस गया, ईसाई निकल गए, ठीक है ना। देखो भाई, अजीब बात है कि दोनों किरदार फौज यजीद में मौजूद हैं, दोनों किरदार, उमर साद का किरदार भी मौजूद है, लानती रहा और कयामत तक रहेगा, हुर का किरदार भी मौजूद है, वो अलैहिस्सलाम हो गया या नहीं। अब हुसैन समझ में आए, हुसैन एक ऐसा पारस है कि लानतुल्लाह को रहमतुल्लाह बना दी, बस तकरीर तकरीर तमाम हो गई। हुर तक आना था, हुर तक मैं आ गया, पहचानते हो ना हुर को, जैसे अपने जमाने का आमर इब्ने अब्देवत, बहुत बड़ा बहादुर था, शोहरत है आज तक, जैसे मरहब अपनी कौम का बहुत बड़ा बहादुर था, आज तक उसकी शोहरत है। सुना होगा तुमने रुस्तम इतना मशहूर था हुर अपनी बहादुरी में शहर कूफा में। हुसैन का काफिला जा रहा था कि हुसैन की फौज के सिपाहियों ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुसैन ने कहा कि हां भाई अल्लाह तो अकबर है, लेकिन ये कौन सा मौका था नारे तकबीर के बुलंद करने का? कहा फर्जंदे रसूल खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पानी से करीब हो गए। कहा गौर से देखो, कुछ लोग दौड़े वापस आए, कहा फर्जंदे रसूल खजूर के दरख्त नहीं है, ये नैजे हैं, और कोई लश्कर आ रहा है आप पर हमला करने के लिए। करबला के वाकये की तफसील बयान करने का वक्त कहां होता है, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा, और हुर पे बात रुक जाएगी। अब मुहर्रम की तीसरी तारीख गुजर गई, और उमूमन मुहर्रम की तीसरी तारीख को हुर का तस्करा किया जाता है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे सुनने वालों तक यह मैसेज पहुंच जाए। हुसैन ने इंतजार किया, लश्कर आया जिसका सिपह सालार हुर था, प्यासा लश्कर, जानवरों की जबानें निकली हुई प्यास से, लश्करियों के चेहरे सौलाए हुए प्यास से। कहा भाई अब्बास, इनसे बात तो बाद में करेंगे ना, प्यासे हैं इन्हें पानी पिला दो। अब्बास ये लोग प्यासे हैं इन्हें पानी पिला दो। चलता हुआ काफिला रुक गया, लोग उतरे, छागलें उतारी गईं, और लोगों ने अपने हाथ में जरफे आब लिया
और हुर के लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। जब लोग पानी पी चुके तो हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, अब्बास जानवरों को पानी पिलाओ, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं क्या अर्ज करूं, जानवर पानी पीने लगे तो अबुल फजल अब्बास को करीब बुलाया और कहा, अब्बास तुम तो जानते हो ना कि जानवर एक मरतबा पीकर सैराब नहीं होता, जब तक तीन मरतबा पी के सर न उठा ले उसके सामने से सर से आपने हटाना। पानी पिला दिया, हुर के दिल पे चोट तो लग गई। जब पानी पिलाया, कहा कि हुर इधर परिवा, हुर आया, कहा चाहता क्या है, कहा फर्दंद रसूल आप जहां जाएंगे आपके पीछे जाऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। हुसैन इब्न अली जुलजना पर सवार हुए और घोड़ा मोड़ा, ठीक जैसे ही मोड़ा, बहादुर इंसान था, एक मतवा उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। यह मजाक नहीं है, किसी शरीफ इंसान के घोड़े की लगाम का थाम लेना। एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, सकलत का उम्म का या हुर, तेरी मां तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजार। हुर ने घबरा के लगाम छोड़ दी, कांपने लगा, हाथ जोड़ लिया, कहा फर्जंद रसूल आपने तो मेरी मां का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं आपकी मां का नाम वुजू के बगैर ले भी नहीं सकता। अजरकुम अल्लाह, तुमने गिरिया किया, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, साथ साथ रहा। जहां हुसैन ने खैमा डाला उसके करीब ही उसने खैमा डाला। हुर रात को जल्दी सोने का आदि था। उसका गुलाम बयान करता है, देखो भाई साहिब नासुस तवारीख ने लिखा है कि हुर था, हुर का छोटा भाई था, हुर का बेटा था, हुर का गुलाम था, एक खैमे में चार, ठीक। हुर जल्दी सोने का आदि था, गुलाम गया, देखा कि आधी रात है और हुर सोने का नाम नहीं लेता, अपने खैमे में टहल रहा है। अब गुलाम की तो हिम्मत नहीं है ना कि वह हुर से पूछे कि हुआ क्या, गया भाई को बुला के लाया, हुर का भाई आया मिजाज पूछने के लिए, कहा भाई आपकी तबीयत ठीक है, आप तो सवेरे सोने के आदि थे, अभी तक जाग रहे। हुर ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने भाई का हाथ थामा, खांसता हुआ अहले बैत के खैमों के पीछे ले गया और कहा भैया कोई आवाज सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे आवाजें दे रहे थे, आना दाश। यानी आले मोहम्मद के बच्चे प्यास की शिद्दत से रात भर सोए नहीं। हुर के भाई को जवाब तो मिल गया, कहा मैं कैसे सोऊं, आले मोहम्मद के बच्चे प्यासे हैं। आशूर का दिन हुआ, जंग शुरू हुई, 4000 तीर अंदाजों ने तीर फेंके और उसके बाद जब तीर अंदाजों के तीर रुके तो यह तय हुआ कि फर्दन फर्दन मुकाबला होगा। हुर का बेटा सामने आया, कहा बाबा आप बहुत परेशान हैं। उसने कहा कि भाई सुन, तू मेरा बेटा है, एक रास्ता है जहन्नम की तरफ, एक रास्ता है जन्नत की तरफ, तू कौन पसंद करेगा, कौन सा रास्ता पसंद करेगा। कहा कि बाबा जन्नत के अलावा किसकी हिम्मत है कि किसी और रास्ते को पसंद कर ले जहन्नम के। तो कहा कि चल मेरे साथ। हुर चला, हुर का बेटा चला, हुर का भाई चला, हुर का गुलाम चला। बस तुम रो चुके ये दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये काफिला जब आगे बढ़ा और हुसैन का खैमा अभी दूर है तो कहा घोड़े से उतर जाओ, सब उतरे, कहा मेरे दोनों हाथ बांधो। बस मेरे दोनों हाथ बांधो, बेटे ने हुर के दोनों हाथ बांध दिए, कहा मेरी आबा मेरे चेहरे पर डाल दो, उलट कर मेरी आबा को मेरे चेहरे पर डाल दो।
آبا چہرے پہ ڈالی، کہا اب میرا ہاتھ پکڑ کے لے چل، اس لیے کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ چلے حسین کے خیمے کی طرف، ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر۔ ہور نے پوچھا کیا ہوا، کہا اصحاب حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، حبیب آ رہے ہیں، زہیر آ رہے ہیں، مسلم نے حوصلہ آ رہے ہیں۔ ہور بڑھتا رہا، پھر بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر، زور سے آواز دی۔ کہا کہ اب کیا ہوا، کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں تیرے استقبال کے لیے، بابا تیرے استقبال کے لیے بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے چیخ کے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹے اب کیا ہوا، کہا عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹے نے چیخنا شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اب کیا ہو گیا، کہا مولا خدا آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہوئی، ابا اتروائی، کہا فرزند رسول ہاتھ بندوا کے آیا ہوں کہ میری خطا معاف کر دیں۔ کہا میں نے تیری خطا معاف کی، ہاتھ کھل گیا، ہر کا ہاتھ کھل گیا۔ ہر کا ہاتھ کھلا، کہا چل خیمے میں چل۔ کہا فرزند رسول میں آیا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، دو جملے سنو آخری، مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ کہا کچھ دیر تو آرام کر لے۔ کہا نہیں فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنی شرمندگی کو رفع کروں۔ کہا کہ اچھا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنگ کی اجازت دیتا ہوں۔ کہا فرزند رسول پہلے اجازت ہو میرے بیٹے کو۔ بس تم رو چکے نا، بیٹا میدان میں گیا، حملے پہ حملے کیے، یزید کی فوجیں بھاگی، ایک مرتبہ اسے گھیر کے مارا گیا۔ بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کرو۔ ہور نے شیر خطرناک کی طرح تلوار نکالی، بہت بڑا بہادر تھا، اور بھاگتا ہوا فوجی یزید میں گھس گیا۔ جب اسے بیٹا کہیں نظر نہ آیا تو کہا بیٹے تو کہاں ہے، ذرا میری آواز پہ لبیک کہہ دے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی کہ ہور میں تیرے بیٹے کے پاس ہوں۔ ہور دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ حسین، حسین ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا مولا، مولا آپ پہنچ گئے مجھ سے پہلے۔ کہا ہور کس کی مجال ہے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اب میں اس وقت کو کیا کروں جب کڑی جوان علی لگ رہا تھا اور میرا حسین یا علی کہہ کر اکبر کی بغلوں